गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हम आज क्लास सिक्स मैथ का इंटीजर को कैसे प्लस करते हैं उसके बारे में पता चलेगा। विदाउट इंटीजर और विदाउट इंटीजर, बिना इंटीजर में कैसे प्लस करेंगे और इंटीजर बिना नंबर लाइन में कैसे प्लस करेंगे और नंबर लाइन में कैसे प्लस करेंगे वो उसके बारे में पढ़ेंगे आज। तो देखो, हम एडिशन का इंटीजर को एडिशन करने से पहले थोड़ा बेसिक रूल जानना ज़रूरी है। जैसे यहाँ मैं लिखा हूँ, देखो ये दो ठो नंबर में प्लस प्लस होने से उसका सिंबल प्लस ही आएगा, वो प्लस होगा। दो ठो नंबर में प्लस प्लस होगा तो वो प्लस होगा, दो ठो नंबर में माइनस माइनस होगा तो वो प्लस होगा, वो भी प्लस होगा। दो ठो प्लस प्लस होने से भी प्लस होगा, दो ठो माइनस माइनस होने से भी प्लस होगा, और एक ठो माइनस एक ठो प्लस होने से वो माइनस होगा, और जो नंबर बड़ा होगा उसका ही सिंबल रहेगा लास्ट में। ये जो लास्ट में सिंबल ये देखिए, वो प्लस माइनस तो माइनस करेंगे, उसके बाद जो सिंबल देंगे हम वो नंबर में जो सिंबल आएगा वो बड़े नंबर का सिंबल आएगा, ये भी प्लस माइनस माइनस होगा, और इसमें भी जो बड़ा नंबर का सिंबल होगा वही सिंबल लास्ट में देंगे। तो एक तो एग्जाम्पल लेके देखते हैं। देखो माइनस एट प्लस माइनस सिक्स है, तो इसको दोनों में माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस क्या है, यहाँ देख लो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, और सिंबल तो प्लस ही रहेगा। ये भी माइनस माइनस क्या प्लस होगा, और लास्ट में सिंबल क्या लेंगे, माइनस ही रहेगा सिंबल। तो ये सिर्फ प्लस प्लस प्लस, ये प्लस सिंबल रहेगा, प्लस तो है, ये माइनस माइनस प्लस होगा और माइनस सिंबल रहेगा, ये प्लस माइनस माइनस होगा और जो बड़ा वाला उसका सिंबल रहेगा, ये भी प्लस माइनस माइनस होगा और बड़ा वाला सिंबल रहेगा, जो भी बड़ा नंबर होगा उसका सिंबल रहेगा। तो यहाँ दोनों में माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, तो एट और सिक्स कितना, एट और सिक्स फोर्टीन, और सिंबल क्या रहेगा, दोनों माइनस माइनस होने से प्लस होगा और सिंबल वही माइनस रहेगा, तो सिंबल वहाँ माइनस, तो इसको मिलाने से माइनस फोर्टीन हो गया। और एक थोड़ा एग्जांपल लेते हैं, और एक थोड़ा एग्जांपल यहाँ है माइनस टेन प्लस माइनस फिफ्टीन है, तो ये एग्जांपल में कैसे करेंगे, यहाँ एक तो सिंबल माइनस है, एक तो सिंबल प्लस है, ये प्लस फिफ्टीन, ये माइनस टेन और ये प्लस फिफ्टीन, तो यहाँ माइनस और प्लस सिंबल आ गया, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, और सिंबल कौन सा रहेगा, जो बड़ा नंबर होगा उसका सिंबल। तो यहाँ ये माइनस टेन है और माइनस प्लस फिफ्टीन है, तो ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो फिफ्टीन से टेन माइनस होने से कितना होगा, फाइव होगा, और सिंबल किसका रहेगा, जो प्लस माइनस माइनस होगा कहा था, और सिंबल जो बड़ा नंबर होगा, जो बिगेस्ट नंबर होगा, बड़ा नंबर होगा उसका सिंबल रहेगा। तो यहाँ ये दोनों से बड़ा नंबर क्या है, ये फिफ्टीन, तो इसका सिंबल प्लस है, तो यहाँ रहेगा प्लस, तो ये पता चल गया प्लस फाइव। तो और एक तो एग्जांपल यहाँ, यहाँ है प्लस थर्टीन, यहाँ प्लस ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व, तो ये भी ऐसे करेंगे, प्लस और माइनस क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, और सिंबल जो बड़ा नंबर का रहेगा, तो प्लस माइनस माइनस करेंगे, ट्वेल्व से थर्टीन से, ये प्लस माइनस माइनस, थर्टीन से ट्वेल्व माइनस होने से माइनस वन होगा, ए वन होगा, और सिंबल जो बड़ा नंबर का रहेगा, सिंबल बड़ा नंबर हो गया। तो ऐसे ये नंबर विदाउट नंबर लाइन में ये एडिशन, उसके बाद यूज नंबर लाइन में कैसे प्लस करेंगे। तो एक तो नंबर लाइन ये हो जाएगा, मिडिल में जीरो, इस साइड वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेट माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव, तो ये हो गया। तो नंबर लाइन में हमको प्लस करना है, तो पहले क्या कहा है, माइनस टू दिया है,
माइनस टू प्लस एट दिया है तो पहले माइनस टू, जीरो से माइनस टू को लेंगे, यहाँ यहाँ पहला आएगा माइनस टू है, उसके बाद प्लस सिंबल है, प्लस आ गया, प्लस कितना का है, प्लस एट का है, तो ये एट का सिंबल प्लस है, प्लस एट, तो ये प्लस सिंबल राइट साइड में जाएंगे राइट, और ये माइनस होने से लेफ्ट साइड में जाएंगे, तो प्लस एट करने से यहाँ से एट फिर काउंट करेंगे प्लस है तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, तो यहाँ से फिर कहाँ आ गया यहाँ फाइव तक, तो ये हो गया कितना हो जाएगा यहाँ तक आएगा, तो ये नंबर लाइन में दिखाने से प्लस सिक्स में जाएगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, तो प्लस एट का था, प्लस एट में जाने से सिक्स, तो आज के लिए इतना, थैंक यू।